इंदौर में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मामला कनाडिया थाना क्षेत्र स्थित साहिल एम्पायर बिल्डिंग की चौथी मंजिल में बने निर्माणाधीन फ्लैट में अचानक आग लग गई। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि फ्लैट में रखा फर्नीचर का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मामला देर रात कनाडिया थाना क्षेत्र स्थित साहिल एम्पायर बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बने निर्माणाधीन फ्लैट में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे नीचे पटाखे फोड़ रहे थे, संभवतः बालकनी में पटाखा जाने के कारण आग लगना बताया जा रहा है। चौथी मंजिल पर लगी आग को बुझाने में दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फ्लैट के निर्माण का कार्य चल रहा था। आगजनी की इस घटना में फ्लैट में मौजूद फर्नीचर का लाखों रुपए का सामान जलकर बुरी तरह से खाक हो गया। इसमें फर्नीचर का काम चल रहा था, इसको लिए हुए करीब 1.25 साल हो गया। ये शिवनेरी साहिल एम्पायर। नीचे कुछ बच्चे फटाके फोड़ रहे थे, तो वो बाहर बालकनी में कुछ सामान रखा हुआ था सोफे का, तो उसमें फोम में आग लग गई होगी, ऐसा अनुमान है। क्या सर, आग लगी, कोई रह रहा था? कोई नहीं रह रहा था, खाली था। क्या नुकसान? नुकसान में ये कि वो सोफे जल गए हैं और अंदर की सीलिंग वगैरह डैमेज हुई है। यहाँ पर जो शिवनेरी साहिल का स्टाफ था, उन्होंने फटाफट फायर ब्रिगेड के जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे वो सब लेके और फटाफट उस पर आग पे काबू पा लिया। पानी का छिड़काव भी हो गया था, फिर फायर ब्रिगेड भी आ गया था। हाँ, फटाके का बालकनी में आग लगी थी।